अब हम खोल लेते हैं वीएस कोड, और वीएस कोड पे जो हमने अपनी क्लास का फोल्डर बनाया हुआ है वो फोल्डर ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारी एएसके सीएलआई के टाइम पे हमने जो क्लास की थी एक, उसके अंदर फूड ऑर्डर स्किल के नाम से एक स्किल बनी हुई है, ये हमने लास्ट यहाँ तक काम किया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं एयर डॉट्स। इस बॉर्ड पे जाओगे ना, थोड़ा सा पीछे वो लिंक पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे न्यू फोल्डर ऐसे बनेगा, क्या लिखूं इसका मैं नाम, इसका मैं नाम लिख देता हूँ कस्टम एंड पॉइंट। ठीक है जी, कस्टम एंड पॉइंट। ओके, अच्छा अब इसमें मुझे 1 2 भी लगाना पड़ेगा ताकि ये पता चलता रहे कि कौन सा 1 है कौन सा 2 है। ठीक है, एएसके सीएलआई के फोल्डर के अंदर है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके फोल्डर को कैसे कस्टमाइज करूं, ये मैं बाद में कुछ ना कुछ इसका करूंगा, अभी तो फिलहाल हम इसमें जो काम करना चाह रहे हैं वो करते हैं। अच्छा भाई, अब कौन मुझे ये बताएगा कि मेरा ये फोल्डर बन चुका है, वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये है, इसके अंदर मुझे एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनानी है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कौन बताएगा? एनपीएम इनिट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, एनपीएम इनिट के अंदर मैंने क्या कहा, एबीसी कुछ भी मैंने नाम कह दिया और एंटर कर दिया। पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे बन के आ चुका है, लेकिन ये दिख रहा क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत जगह बन गया है, फूड ऑर्डर स्किल के अंदर बन गया, ये फूड ऑर्डर स्किल के अंदर ही बन गया। कौन सी आवाज है? खैर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में डिस्कार्ड वगैरह करता रहूंगा, मैं जरा सही वाले फोल्डर में जाके यार किसी एक को ना मैं वो बना देता हूँ, क्या कहते हैं, को-होस्ट। हाँ बताओ, नाम बताओ अपना। नहीं यार, तुम्हारा क्या नाम है? बकार ना, वो तुम कनेक्टेड हो उसमें, सही है, मेक को-होस्ट। असल में वो बार बार ज्वाइन कर रहे हो ना तुम लोग लीव कर करके, तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो गई है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं सीडी करके वापस हुआ, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इको बहुत ज्यादा आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, सही है, मच बेटर, अब ह्यूमन लाइक आवाज आ रही है थोड़ी। पहले ऐसा लग रहा था कि मैं नाथ पढ़ने आया हूँ। नहीं, नाथ भी अच्छी पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मैं कस्टम एंड पॉइंट वाले फोल्डर में आ गया, पहले मैं किसी गलत फोल्डर में गया हुआ था। आई थिंक इसका सेल भी वीक हुआ हुआ, मेरी आवाज ना कुछ अजीब सी बता रहा है। npm init वो करेगा ना, ये वकार एक्सेप्ट करेगा तुम लोगों को, होस्ट बन गए हो ना तुम, बस सही है। कैसी कैसी बातें करते हो भाई। अच्छा जी, npm init, और मैंने कहा कुछ पैकेज का मैंने नाम लिखा, एंटर किया, और मेरे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बनकर आ गई। ठीक है, अब भाई ये पैकेज डॉट जेसन के की फाइल बनकर आ गई, अब सेकंड काम क्या करना है, ये सब नॉट जेएस के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं, बताओ। अब हमें वो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं जो हमें इसके लिए चाहिए, सही है, तो मुझे इसके लिए एक्सप्रेस चाहिए सबसे पहले, तो नॉट मॉड्यूल इंस्टॉलेशन उसी फोल्डर में होती है ना, एक्सप्रेस चाहिए, और कौन सा पैकेज चाहिए हमें,
कोर्स चाहिए बिल्कुल नहीं, कोर्स इसमें नहीं चाहिए होगा, मैं इसमें नहीं, सर्वर से सर्वर पे बात हो रही है ना, इसमें मैं कोर्स लगा देंगे बट चाहिए नहीं होगा। हाँ मॉर्गन चाहिए होगा ना, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी रिक्वेस्ट आए वो लॉग हो जाए कि उसमें क्या आ रहा है। अच्छा भाई और बताओ, एनजी लॉग इसमें नहीं होगा, वो तो ग्लोबली इंस्टॉल होगा। अच्छा हम एलेक्सा स्किल किट पे चलते हैं और वहां पे से वो वाला भी कर लेते हैं जो क्या सीएलआई कोर के नाम से था, किस नाम से था, भाई मैं चला गया कॉन्सोल पे और कॉन्सोल पे जाने के बाद मैंने कहा कि किसी भी स्किल के अंदर चला जाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारी फूड ऑर्डर स्किल थी जो लास्ट हम बना रहे थे, एंड पॉइंट पर गया मैं, इसके एंड पॉइंट पे जाके AWS पे चेक लगाया मैंने और AWS पे चेक लगाने के बाद उसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है भाई। सेव किया मैंने और अब जब मैं इसकी कोडिंग में जाऊंगा तो मुझे वहां पे एक बना हुआ मिलेगा पूरा फंक्शन। अरे यार क्या बकवास है, आज की डेट में इंस्टॉल हो गया बस ये, चलो हो गया। अच्छा ये जो है ना ASK SDK कोर, ये भी मुझे इंस्टॉल करना है, इसका npm का पैकेज पहले देख लेते हैं जरा कि मैंने कहा साथ में npm, ठीक है कि npm में किस नाम से, क्योंकि समटाइम रिक्वायर किसी और नाम से हो रहा था लेकिन इंस्टॉल किसी और नाम से होता है समटाइम्स, बट इसके केस में इंस्टॉल भी ये इसी नाम से हो रहा है। क्या है, ASK-SDK-Core, ASK-SDK-Core, ठीक है एंटर। तो ये तीन लाइब्रेरी मुझे रिक्वायर्ड थी, ये तीनों मैंने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है। अब मेरा काम क्या है कि मैं एक अदद क्या बनाऊ, server.ngs, मैं यहाँ पे एक अदद बनाऊ server.mjs, ठीक है। mjs हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ES6 का कोड चले इसके अंदर। अच्छा जी, जो चीजें हमें चाहिए थी वो सारी इंस्टॉल हो गई। अब मुझे क्या करना है, एक एक्सप्रेस का जो बॉयलर प्लेट कोड है मुझे वो लिखना है, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, जो पुरानी क्लासेस हमारी थी उसके अंदर से जाके एक कोई सा भी कोड मैं कॉपी करके लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। server.mjs पे गया और मैंने सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, चूंकि ये क्या है, बॉयलर प्लेट कोड है मेरा, ठीक है। एक्सप्रेस में आ गया, एक्सप्रेस की ऐप बन गई, चार एंड पॉइंट्स मेरे बन गए और लिसनिंग शुरू हो गई मेरी, ठीक है, चार चीजें हो गई। उसके अलावा मुझे proc फाइल चाहिए होती है हरिको पे डिप्लॉय करने के लिए, तो वो proc फाइल भी मैंने क्या कहा कॉपी किया और कॉपी करके अपने इस कस्टम स्किल के अंदर लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ चाहिए मुझे, हाँ गेट इग्नोर भी चाहिए मुझे, गेट इग्नोर भी मैंने पुराने वाली फाइल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा और कोई ऐसा है बॉयलर प्लेट वाला काम इसमें, यार इसको म्यूट कर दो, रिटर्न आवाज आ रही है मुझे। फूड ऑर्डर स्किल पूरी बनाएंगे, ये पहले सर्वर छोटा सा बना के कनेक्ट हो जाए फिर हम फूड ऑर्डर पूरी स्किल बना लेंगे, ठीक है। हमने ये फूड ऑर्डर की स्किल स्टार्ट की है। अच्छा जी ठीक है जी, क्या किया मैंने, ओपन किया, सब क्लोज कर देता हूँ। अच्छा अब मैं आ गया अपने जो अभी मैंने सर्वर बनाया है, अभी सर्वर का जो कोड लिखा है उस कोड के अंदर आ गया हूं मैं। अच्छा इसमें क्या मुझे इतने सारे एंड पॉइंट चाहिए, नहीं इसमें मुझे सिर्फ एक एंड पॉइंट चाहिए, app.post और इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ,
वेबहुक नाम रख सकता हूँ इसका, मैं बाकियों को मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही एंड पॉइंट चाहिए बस, और मुझे कोई दूसरा एंड पॉइंट इसमें नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा, ये करने के बाद अब मुझे वो सारा कोड जो मैंने लैम्डा फंक्शन में लिखा हुआ था वो लाके यहाँ पे डंप करना है, ठीक है? तो मैं कैसे करूंगा, आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप नोट करें कि सारे को बंद किया मैंने, एरर हैंडलर को भी बंद किया, अच्छा इसकी ना हम कोई एग्जांपल सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मैं भूल गया, मेरे जहन से निकल गया कि उसको हम एक्सप्रेस में कैसे लगाते थे, बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में ही बताया हुआ है, एक एग्जांपल लिख के बताई हुई है कि आप इस तरह करके जो है क्या कर लें, इसको इस्तेमाल कर लें। हाँ, एडाप्टर के नाम से एक लिखा हुआ है, इन्होंने लाइब्रेरी लिखी हुई है जो एक्सप्रेस के साथ इसी सेम लाइब्रेरी को अलाउ कर रहा है कि हम लगा लें, ठीक है? तो हम ये एडाप्टर को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर का कोड पहले तो हम लेके चलते हैं वहां, यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है जी? इसको हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये तो हमारा कोड लिखा हुआ है, डॉक्टर के कोड को ना नीचे हम पेस्ट करते हैं जरा, और इसमें से जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो ऊपर लेके चलते हैं। इसको कट किया, इसको ऊपर लेके चलते हैं पहले, ठीक है? एक एक करके उसमें से लाइन उठाते जाते हैं। ये कोड हमारे पास पहले से है, ये कोड हमारे पास पहले से है, ठीक है? अच्छा, ये तीन लाइंस जो हैं ये हमें चाहिए होंगी, ठीक है? इसको मैंने कट किया और इसको मैं कहाँ ले गया, जहां पे ऐप बनी है उसके बाद इस जगह पे मैं लेकर आ गया, ठीक है जी? उसके बाद ये वाला कोड मुझे चाहिए, ठीक है? अब मेरा जो ये पोस्ट है ये रिमूव हो जाएगा, इससे रिमूव हो जाएगा ये, ठीक है जी? बाकी कोड हमारे पास है। अच्छा, ये हमारी एक क्या चीज तैयार हो गई है, ये हमारा एक बॉयलर प्लेट तैयार हो गया है। अच्छा, इसके अंदर आप नोट कीजिए कि ये जो ऐप डॉट पोस्ट है इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे एक फंक्शन देते थे खुद से बना के कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, और उसके अंदर हम उसकी बॉडी को रीड करते थे, काफी कुछ करते थे। इन्होंने क्या किया है कि एक लाइब्रेरी है जो उन्होंने खुद बनाई है एक्सप्रेस अडॉप्टर के नाम से। अच्छा, ये एक्सप्रेस लिखा हुआ है वैसे ही है, जितने भी मिडलवेयर टाइप की चीज है ना सब में चलेगा। मिसाल के तौर पे जैसे फायरबेस फंक्शंस है, फायरबेस फंक्शंस भी मिडलवेयर टाइप की चीज है, तो उसमें भी इसी तरह से हो गई जैसे इसके अंदर हो रहा है। तो इन्होंने वो वाला जो फंक्शन है वो जनरेट करके लाइब्रेरी के लेवल पे इस चीज को हैंडल कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्किल बिल्डर के नाम से मेरे पास ये कांस्टेंट आ गया, स्किल के नाम से कांस्टेंट और एडॉप्टर के नाम से कांस्टेंट। अब मेरा जो स्किल बिल्डर है ये कौन सा स्किल बिल्डर है, ये सेम वही वाला स्किल बिल्डर है जो यहाँ पे इस जगह पे हुआ करता था, ठीक है जी? ये रहा अलेक्सा डॉट स्किल बिल्डर डॉट कस्टम, ठीक है? तो अब मैं इसी तरह स्किल बिल्डर डॉट कस्टम डॉट एड रिक्वेस्ट हैंडलर करके इसमें चीज लगाऊंगा। तो हम डॉक्यूमेंटेशन में वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसमें आगे हैंडलर लगाना बताया है, ठीक है? अब ये हैंडलर लगाना बता रहे हैं आगे। बल्कि हम एक काम करते हैं ना, ये एडॉप्टर के उस पे चलते हैं ना, एनपीएम के पेज पे, वहां पे पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, वहां पे ये सारा एग्जाम्पल वगैरह सब चीजें होंगी। इसको इंस्टॉल भी करना है हमें ऑफकोर्स। अच्छा जी, इसको पहले तो कॉपी करके और इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं, हमारे पास इंस्टॉल हो गया ये, ठीक है? इतने में हम इसकी
डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया, सेव हो गया, ठीक है, ASK SDK कोर और ASK SDK एक्सप्रेस अडॉप्टर, ठीक है जी, टाइप स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है, ठीक है जनाब, इसको इंपोर्ट इस तरह से करना है। अच्छा ES6 है हमारे पास, वो एरर देगा, ES6 इंपोर्ट इस तरह से होगा, इन्होंने इंपोर्ट कैसे किया हुआ है, इन्होंने रिक्वायर करके किया हुआ, ये एरर देगा हमारे पास, हमें इसको कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं एक्सप्रेस अडॉप्टर, ठीक है, एक्सप्रेस अडॉप्टर के नाम से इसको हमने, क्योंकि जो एग्जांपल थी उसमें एक्सप्रेस अडॉप्टर के नाम से था। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, ये क्या है, डॉक्यूमेंट नहीं है इसका। अच्छा, यू कैन फाइंड गेटिंग स्टार्टेड गाइड हेयर, हेयर पे क्लिक करते हैं यहाँ से। समटाइम ऐसा होता है कि वो NPM के पेज पे डॉक्यूमेंट नहीं लिखते, वो अपने पेज पे आपको वहां से रिडायरेक्ट करवा देते हैं। अच्छा, होस्ट अ कस्टम स्किल एज अ वेब सर्विस, ये तो हम उसी पेज पे वापस आ गए, इसकी इतनी सी डॉक्यूमेंटेशन है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। स्किल बिल्डर डॉट क्रिएट, स्किल बिल्डर डॉट कस्टम। अच्छा खैर, अब डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने नहीं लिखी है तो हम क्या करेंगे, हम तुक्के लगा के कुछ करेंगे, क्योंकि नाम तो सेम है, वहां पे भी नाम लैम्डा पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो हम एज्यूम करते हैं जो सेम नाम की चीज है वो सेम है, तो उसी के आगे डॉट लगा के ट्राई करते हैं, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चला तो फिर उसको मजीद गूगल करेंगे और हम सर्च करेंगे कि भाई कैसे चलता है। अच्छा जनाब, अब मेरे पास प्रॉब्लम एक ये है, वो प्रॉब्लम क्या है जनाब, वापस आ जाता हूँ मैं बिल्ड में, प्रॉब्लम एक ये है, इसको सर्वर को मैं रन भी कर देता हूँ, इसको सर्वर को रन कर देते हैं यहाँ पे, npm start, क्या एरर आया, अच्छा स्टार्ट की स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, package.json में गया मैं, मैंने कहा जनाब स्क्रिप्ट में क्या लिखो, स्टार्ट कॉमा, ठीक है, और नॉट स्पेस सर्वर डॉट एम जे एस, ठीक है जी, उसके बाद मैं डेव भी लिख देता हूँ, npm run dev करने से क्या हो, Nordmon space server dot mjs, ठीक है जी, तो अब मुझे कैसे करके चलाना है, npm run dev, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो बार बार खुद से रन, रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा npm run dev, Nordmon से ये होता है कि जब आप एक दफा सर्वर को रन कर देते हैं ना, तो जब भी कोई चेंजेस करते हैं वो खुद से रन हो जाता है दोबारा, आपको बार बार रोक के चलाना नहीं पड़ता। Alexa is not defined. हम देख लेते हैं यार इस डॉक्यूमेंट में कि इन्होंने Alexa किस चीज को बोला था, Express Adopter, Alexa का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, ये इन्होंने क्या किया है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है Amazon Alexa की, इसमें एरर है, alexa.skillbuilder.custom, skill builder, skill adopter, नहीं Alexa आया कहां से, ये मतलब हमारे कोड में टाइप स्क्रिप्ट का इंपोर्ट नहीं है, हम इसमें से ऐसे लगा के देख लेते हैं ना कि क्या किया इसमें से हमें मिल रहा है, हम इसमें से ना ऐसे करके देख भी सकते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, और अगर ऐसे भी समझ में ना आया हमें तो हम क्या करेंगे, इसके इसकी फाइल में जाके देख लेते हैं ना, वहां से क्या क्या एक्सपोर्ट किया हुआ है, कैसे जाके देखते हैं फाइल में वो भी समझाता हूँ। देखो नॉट मॉड्यूल के अंदर गए, नॉट मॉड्यूल के अंदर ना ASK SDK एक्सप्रेस अडॉप्टर इस नाम से पूरी फाइल होगी, सही है, ये सामने नजर आ रही है, इसको मैंने खोला, इसको खोल के और इसके, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने डायरेक्ट दी हुई है, और index.js मैंने इसका ओपन किया, यार ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, सोर्स कोड तो है ही नहीं, एक्सप्रेस अडॉप्टर V1, एक्सप्रेस अडॉप्टर V2, अच्छा टाइप स्क्रिप्ट की टाइपिंग है, वो टाइपिंग कहाँ पर है, adopter/adopter, adopter/adopter, अच्छा ये वो चीजें हैं जो इसमें से एक्सपोर्ट हुई हैं, नंबर एक एक्सप्रेस अडॉप्टर इटसेल्फ, बस बस और कुछ नहीं,
स्किल वेरीफाई सिग्नेचर वेरीफाई टाइम स्टैम्प वेरीफायर यार ये तो बड़ा अजीब सा है काम किया है इन्होंने अच्छा इसने कोई एग्जांपल का फोल्डर भी इसमें नहीं बनाया हुआ हाँ वो टर्मिनल पे एरर वही बता रहा है कि जो है ना हम कोई आर्टिकल से देख के करते हैं टाइम बचाते हैं ऊपर इंपोर्ट जब करके नहीं बताएगा तो मिलेगा ही नहीं मुझे वो नहीं नहीं इतना भी गैस में नहीं चल रहा भाई इतना गैस में भी नहीं चल रहा ये मैंने कोई आर्टिकल खोला है ये मैंने एक आर्टिकल खोला है ये सेम चीज करना बता रहे हैं तो वो जरा हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से बताया है ठीक है ये सेम चीज की एग्जांपल है मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है ये क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के कोड में एक एरर है जो हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या एरर है तो ये हाँ तो अच्छा ये एएसके एसडीके कोर को इन्होंने इस नाम से वो किया हुआ नहीं बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक कैसे है मैं इस चीज को मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये ऑब्वियस बात है कि एएसके एसडीके कोर को इंस्टॉल जो किया है तो उसको रिक्वायर भी तो करना होगा ऑब्वियस बात है लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिस क्यों है ये चीज अच्छा एक मिनट ये यहाँ कोर्ट में था ना ये हमारे पास जो ये वाला कोर्ट था हमारे पास कहाँ गया वो गुम हो गया नहीं इस कोड में इसको क्या अलेक्सा के नाम से किया हुआ था हाँ अलेक्सा के नाम से किया हुआ है देख रहे हो ये भी अजम्पशन पे ही चल रहा है खैर तो हमें अब ये पता चला कि ये जो अलेक्सा इसको नहीं मिल रहा है वो कौन सा वाला है वो अलेक्सा जो है एएसके एसडीके कोर है जो उसको नहीं मिल रहा है ठीक है जनाब तो ये हमने ऐसे कर दिया अच्छा अलेक्सा इस तरह से रिक्वायर नहीं होगा हमारे पास इम्पोर्ट वाला सिंटैक्स चलेगा तो मैं इसको क्या कर देता हूं मैंने कहा इंपोर्ट अलेक्सा फ्रॉम एएसके एसडीके कोड अच्छा भाई अभी भी इसको बट कोई एरर है इतने कोड में ही अभी भी कोई एरर है एक्सप्रेस अडॉप्टर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर हम स्टैरिक करके उठा लेते हैं अब चल गया सही है एक्सप्रेस अडॉप्टर भी हमने जो रिक्वायर किया था जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से देख के वो भी गलत था ये सही चला है अच्छा अब इसके आगे का जो कोड है चूंकि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में इसके आगे का कोड नहीं लिखा हुआ है तो हम मजबूर हैं कि हम कोई थर्ड पार्टी आर्टिकल जो हमने देखा है अभी इसमें से हम देखने की कोशिश करें कि ये क्या है आगे का चक्कर अच्छा इन्होंने कहा है कि भाई स्किल पाथ स्लैश और डेफिनेशन ऑफ हैंडलर मार्क स्किल स्टार्ट एक लॉन्च रिक्वेस्ट और ये हैंडलर और सब कुछ इन्होंने इसी तरह से बनाया हुआ है हेल्प इंटेंट वगैरह अच्छा जी अलेक्सा डॉट स्किल बिल्डर डॉट कस्टम और ऐसे करके पूरा सेम वही कोड है लेकिन किस पॉइंट पे इसने अडॉप्टर के हवाले किया स्किल बिल्डर डॉट कस्टम ठीक है जी समझ आ गया ठीक है इस पॉइंट पे ये जो लिखा हुआ है अलेक्सा डॉट स्किल बिल्डर डॉट कस्टम इस पॉइंट पे हमारा वो जो सारा कोड है ना लैम्डा फंक्शन से वो यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे इसको चलते हैं जनाब लैम्डा फंक्शन पे और यहाँ कस्टम के आगे जो भी कोड लिखा हुआ है वहां पर उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है जी ये रहा अलेक्सा स्किल बिल्डर डॉट कस्टम इस कस्टम के नीचे जो ये पूरा कोड लिखा हुआ है ये मैं क्या कर दूंगा ये मैं वहां पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा ठीक है भाई हाँ मैं ये लिंक उसमें लगा दूंगा डॉट कस्टम के बाद अच्छा
अब हाँ जो लैम्डा में ये काफी नीचे तक लगा हुआ था, एरर हैंडलर भी लगा हुआ था और विद कस्टम यूजर एजेंट भी लगा हुआ था कि एक खास कस्टम एजेंट के लिए हम बना रहे थे, और डॉट लैम्डा भी लगा हुआ था। इसमें ये लास्ट वाली दो चीजें हट जाएंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल, जो आर्टिकल में इन्होंने बताया हुआ है उसमें ये दो चीजें नहीं होंगी, ठीक है जी। डॉट क्रिएट डॉट डैश अच्छा, मैंने जो लास्ट बनाया था वो मैंने इस तरीके से नहीं बनाया था, वो मैंने कोई और मेथड अख्तियार किया था, वो मैं जहन से निकल गया और मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ पे कोड रखा होगा उसका। तो ये जो अडॉप्टर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हमने देखा है, अभी फिलहाल हम इसको करते हैं। मुझे चाहिए था कि मैं पहले थोड़ी इसको प्रैक्टिस कर लेता, बट मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो चुका होगा ये उससे। अच्छा जी, अब इतना कोड तो मेरा सेट हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, ये सारे वाले मुझे इंटेंट के फंक्शंस चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इनमें से जो सारे इंटेंट के फंक्शन है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करके सिर्फ दो फंक्शन इसमें रहने देता हूँ, ठीक है, नंबर एक लाउंज हैंडलर और नंबर दो हेलो वर्ल्ड इंटेंट हैंडलर, ठीक है। इसमें से मैं एरर हैंडलर भी बल्कि मुझे रखना पड़ेगा, तो ये तीन फंक्शन मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। अच्छा, ये तीनों फंक्शन मैं कहाँ बना लेता हूँ, जाहिर है जहां पे इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे पहले ये तीनों फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये तीनों फंक्शन जनाब वहां से मैं कॉपी करके लाता हूँ। सबसे पहले एरर हैंडलर, ओ एरर हैंडलर, ठीक है जी, एरर हैंडलर आ गया जो यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है। अब मुझे लॉन्च रिक्वेस्ट चाहिए, सबसे टॉप पे है लॉन्च रिक्वेस्ट और हेलो वर्ल्ड रिक्वेस्ट, जो मेरा सिंपल सा एक अदद इंटेंट है उसकी रिक्वेस्ट, ठीक है। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे, ये दोनों चीजें भी लाके, ठीक है, टोटल तीन मेरे पास ये अभी इंटेंट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ ये नीचे है उसके, ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये जो app dot post लगा हुआ है ना स्लैश पे, अब इसके इस पॉइंट पे यहाँ पर मैं app dot get profile, app dot get about, contact, जो भी मैं अपना मतलब मेरा प्रॉपर जो सर्वर है वो इस पॉइंट पे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा सर्वर बिल्कुल डेडिकेट हो गया अब अलेक्सा स्किल के लिए। मेरे सर्वर में जो मजीद चीजें होती हैं, जैसे हमने लास्ट क्या बनाया था सर्वर पढ़ते हुए, प्रोफाइल बनाया था, क्या बनाया था, क्रड ऑपरेशन बनाया था। तो क्रड ऑपरेशन उस तरह का हम इस पे बना सकते हैं स्टिल, कि मेरा सर्वर ये किसी मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट होगा एट द सेम टाइम, और इसका एक राउट जो है, एक एंड पॉइंट जो है, जो स्लैश वेबहुक के नाम से मैं रखना चाह रहा हूँ, इसको मैं स्लैश वेबहुक कर रहा हूँ, ठीक है। स्लैश जाहिर है मेरे किसी और काम आ रहा होगा, और बल्कि मैं वेबहुक भी नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, स्लैश API स्लैश V1 स्लैश वेबहुक, सही है, ये जो प्रॉपर तरीका है इसका कि भाई ये वेबहुक है, और वेबहुक के साथ स्लैश लगा के इसमें मैं अलेक्सा और डायलॉग फ्लो भी लगा सकता हूँ। मैंने इसको कह दिया अलेक्सा, ठीक है, क्योंकि डायलॉग फ्लो का भी वेबहुक होगा और वो एंटायरली डिफरेंट होगा, तो इसमें मैंने अलेक्सा ऐसे कर दिया ताकि वो URL बाद में किसी चीज से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए मैंने URL को जानबूझ के थोड़ा सा लंबा और डिटेल्ड कर दिया। वेबहुक ये होता है कि जो अलेक्सा वाले इस चीज को एंड पॉइंट कहते हैं, वेबहुक नहीं कहते हैं, डायलॉग फ्लो में इस चीज को वेबहुक कहते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वेबहुक शायद बेहतर नाम है जो जो काम ये कर रहा है। वेबहुक ये होता है कि आप ना अपने सर्वर पे किसी चीज को हुकअप कर दें, सही है। मिसाल देके समझाता हूँ, मिसाल देके समझाता हूँ कि मैं इस दरवाजे के पास ना, वो मिलिट्री वाली मूवीज में देखा होगा तुमने कि वो दरवाजे के नीचे धागा बांध देते हैं और कोने में ग्रेनेड पे फंसा देते हैं वो धागा, कि जैसे ही किसी ने दरवाजा खोला वो खींचता है और वो ग्रेनेड की पिन निकलती है, धमाका हो जाता है। तो वो उसने क्या किया, दरवाजे को हुकअप कर दिया ग्रेनेड से, समझ रहे हो ना, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए, लड़के बैठे हैं ज्यादातर मूवीज देखते होगे तुम लोग, ये सीन सबने ही देखा होगा। तो उसने क्या किया, दरवाजे को ना ग्रेनेड से हुकअप कर दिया, कि जैसे ही किसी ने दरवाजा खोला बम फटा, सही है। अच्छा, खुद जब वो आएगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा दरवाजा खोल के उसको धागे को नीचे करेगा ताकि दरवाजे की झिरी में चला जाए वो धागा, और फिर खोलेगा, ठीक है। इसको बूबी ट्रैप भी कहते हैं ये लोग। तो ये असल में इसने क्या किया, हुकअप कर दिया कि दरवाजा खुलेगा तो फटेगा। अच्छा, इसी तरीके से जो सीक्रेट एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जब रूम किसी रूम में है वो रह रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, छुप के रहते हैं रूम्स में, वो रूम से निकलने लगते हैं तो क्या करते हैं, पेपर फंसा देते हैं कुछ रूम के ऊपर, कुछ ऐसी चीज रख देते हैं कि अगर किसी ने खोला तो वो पेपर गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा, मतलब जब वो वापस आएगा उसको पता चल जाएगा कि इस रूम में पहले कोई आया है,
ठीक है, तो इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये क्या है, ये असल में उसने हुकअप कर दिया, एक पेपर को दरवाजे के साथ हुक कर दिया कि जब भी ये खुलेगा तो वो ट्रिगर चल पड़ेगा, मतलब पेपर गिर गया तो मतलब गेट खुला था जब ही गिरा है। सही है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सर्वर पे अपने हम एक हुक बना देते हैं। अच्छा, ये हुक क्या करेगा, मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि भाई ये बटन जब दबे तो सर्वर पे ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, सर्वर पे क्या हो जाना चाहिए, मिसाल के तौर पे ये बटन दबे तो सर्वर पे मेरे डेटाबेस में एक वैल्यू है, उसमें 1+ हो गए। अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में, बैंक में आजकल लगा हुआ है वो रेटिंग सिस्टम, के बैंक के मीजान बैंक के काउंटर पे जब जाते हैं तो रेटिंग सिस्टम है, आप हैप्पी दबाते हैं अनहैप्पी दबाते हैं, तो वो जब दबाने से क्या होता है, डेटाबेस में एक चीज जाके इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये असल में बटन जो है ना आपका, वो क्या हुआ है, हुक हुआ है किसी सर्वर पे, वेब सर्वर पे। ठीक है, तो इस तरह के जो सर्वर को जो किसी बटन से कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं वेब हुक, यानी कि एक वेब सर्वर है जो हुकअप है किसी चीज से। अच्छा, इसके केस में हम वेब हुक इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब अलेक्सा से कोई बात करेगा ना तो रिक्वेस्ट मेरी कहाँ जाएगी, एक सर्वर पर, वो अलेक्सा की स्किल से हुकअप हुआ हुआ, चाहे कहीं से भी आपकी स्किल से कोई बात करे रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी। ठीक है, तो इसको वेब हुक, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसका बेहतर नाम है। अलेक्सा वाले इसको कहते हैं एंड पॉइंट, कस्टम एंड पॉइंट या लैम्डा एंड पॉइंट, बट एंड पॉइंट जो है वो तो ये होता है कि किसी भी चीज का आखिरी सिरा उसको एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब मैं यहाँ से इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ तो इंटरनेट की तार यहाँ से जहां पे भी गई हुई है वो मेरा एंड पॉइंट है। जाहिर है किसी इंटरनेट के दुकान वाले के पास गई हुई होगी, फिर वहां से मजीद आगे होगी। एपीआई एंड पॉइंट जो है ना वो यही इसी वजह से कहते हैं उसको। नहीं, एंड पॉइंट भी मैं समझाता हूँ, जो लव्स एंड पॉइंट है ना उसको मैं मिसाल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे बचपन में चूहे को पकड़ के उसके दुम में रस्सी बांधी है, हम लोगों ने तो बहुत किया, चूहा तितली मिल जाए, छोटे से थे हालांकि मुनासिब नहीं है ये करना, तितली को पकड़ के उसके दुम में, मतलब हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चूहा जाता कहाँ है और ये आता कहाँ से, उसके दुम में रस्सी बांध के ना उसको छोड़ देते थे कि यार ये जाता कहाँ है। ठीक है, और हम बेवकूफ थे, चूहा चलाक था और रस्सी को काट के भाग जाता था। तो मैंने रस्सी पकड़ी भी है, उस रस्सी का एंड पॉइंट कहाँ है, चूहे के पास है। ठीक है, और चूहे के जो रस्सी उसका एंड पॉइंट कहाँ, मेरे पास है। तो अगर आप यहां से देखें, मतलब वो एक सुना होगा लतीफा कि भाई यहाँ पे आओ तो कैसे कहेंगे, कम हेयर। अच्छा, वहां जाओ तो कैसे कहेंगे, तो वहां पे जाके बोलेंगे कम हेयर। सही है ना, तो आप अगर यहां से बोलेंगे ना एंड पॉइंट तो आपका एंड पॉइंट वो है, लेकिन जब आप वहां से खड़े होंगे तो आपका एंड पॉइंट ये होगा, तो एंड पॉइंट एक ही होगा लेकिन उसकी दो साइड होती है ऑफकोर्स, तो वो वहां पे जाके भी कम हेयर ही है। अगर वहां खड़ा हुआ तो उसके लिए कम हेयर है, यहाँ खड़े हुए आप तो यहाँ आपके लिए कम हेयर है, तो वो वाला सीन है। अच्छा भाई, तो हमने जनाब इतना कोड तो लिख लिया, अब हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हमारे ख्याल में ये कोड बिल्कुल सही चल गया, सही है। अच्छा, इस कोड में क्या मौजूद है, कुछ बॉयलर प्लेट ऊपर है और कुछ बॉयलर प्लेट नीचे है, मतलब ये वाला तो नहीं है, ये इतना बॉयलर प्लेट है, ये नीचे है, और दरमियान में हमारे पास उसी तरह से हम फंक्शंस बना रहे हैं और उसी तरह से उस फंक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन बनाएंगे नीचे ऐड कर देंगे। सबको समझ आया इतना कोड, मतलब जाहिर है फुली तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन रेफरेंस जितना पहले सीख चुके हैं वो रेफरेंस कनेक्ट हो गया, डॉट्स कनेक्ट करना हमारा काम है यहाँ पे, डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे सारे, ऑटोमेटिक चीजें समझ आएंगी, उससे डॉट्स कनेक्ट हो गया एक बार, उसके बाद आप जितना टाइम लगाएंगे उतना आप सीखेंगे। अच्छा जी, इसको सेव कर दिया, अब मुझे साथ में यहाँ पे एक टर्मिनल और खोलना है, ये बटन दबा के मैं एक दूसरी विंडो भी खोल लेता हूँ साथ में, इसमें मैं क्या लिखूंगा, ng rock, ठीक है, अब कैसे पता नहीं प्रोनाउंस करते हैं इसको, स्पेस, ये ng rock npm से इंस्टॉल होगा ग्लोबली, -g लगा के, वो मैंने पहले से किया हुआ। अच्छा, उसके बाद जो पोर्ट मेरे पास चल रही है लोकल, मेरे पास 3000 चल रहा है लोकल, और 3000 सॉरी ng rock http 3000 http 3000, ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया। अच्छा, इससे होगा क्या बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक और भी बना देता हूँ ना, गेट प्रोफाइल करके मैंने एक एंड पॉइंट और भी बना दिया, ठीक है, एक तो वेबहुक है ना मेरे पास, एक और भी मैंने बना दिया, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, ठीक है जी,
और मैंने यहाँ पे क्या कहा, response dot send, सही है, this is a profile, ठीक है जी। ये हमारा जैसा पहले सर्वर लिखा था हमने, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ये एक सिंपल गेट की रिक्वेस्ट है और एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है जो अलेक्सा से आने वाली रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगी। अब ये जो स्लैश प्रोफाइल है, ये मैं अपने पीसी में तो लोकल होस्ट 3000 लिखूंगा और स्लैश प्रोफाइल लगाऊंगा साथ में, तो ये हिट हो जाएगा, इसमें जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब एनजी रॉक की वजह से मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं ये यूआरएल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया, शो हो गया मेरे पास। अब ये मैं यूआरएल आप लोगों को भेज रहा हूँ, किस पे भेज रहा हूँ, air.sysbot पे। और ये यूआरएल आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हो, ये यूआरएल आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्लैश क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्रोफाइल, जब तक एनजी रॉक वाला टर्मिनल चल रहा है ये भी चलेगा। दिस इज होम, स्लैश पे मैंने लगा दिया दिस इज होम, और स्लैश प्रोफाइल पे मैंने लगा दिया दिस इज प्रोफाइल। अब आप लोग इसको एक्सेस करेंगे, ये एक्सेसिबल होगा, मुझे यहाँ पे दिखता भी रहेगा कि हाँ भाई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा मैंने मॉर्गन नहीं लगाया ना अभी तक, मॉर्गन भी लगा देता हूँ। नहीं चल रहा, अब वो 25 रिक्वेस्ट की इसमें लिमिट है एनजी रॉक में, इसलिए नहीं चल रहा वो। हाँ 25 हो गई होगी, इतने सारे लोग बैठे हुए, किसी का भी नहीं चला। मैं एक मिनट वो तो लगाऊ ना, एक मिनट मैं जरा इसमें मॉर्गन लगा दूं ताकि मुझे रिक्वेस्ट आती भी नजर आना शुरू हो जाए। किस में जाना था मुझे, मुझे जाना है 04 CD 04 CD 02, ठीक है। मैंने कहा npm i मॉर्गन, ठीक है जी, और मैंने कहा इंपोर्ट इंपोर्ट मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मॉर्गन डॉट डेव लगा देता हूँ। मैंने कहा एप डॉट यूज मॉर्गन डॉट डेव, ठीक है जी, सेव। मॉर्गन डॉट डेव इसलिए लगाया लॉग्स ताकि, क्या कह रहा है ये, नहीं मतलब कुछ कह रहा है ना ये, किस चीज पे एरर दे रहा है समझ में नहीं आ रहा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड हेडर सेंट, मुझे लग रहा है मॉर्गन लगाने में ही कोई मिस्टेक की है, तो सिंपल है उसके लिए। मैंने कहा मॉर्गन npm, ठीक है जी, सीधा डॉक्यूमेंट में जाते हैं, देखते हैं वहां पे किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा मॉर्गन डॉट डेव नहीं है, मॉर्गन डॉट डेव नहीं है, मॉर्गन ब्रैकेट ओपन और बीच में डेव है उसके, ठीक है। मॉर्गन लगाने में ही मिस्टेक की दिया हमने, इस तरह से है ये मॉर्गन डॉट डेव, ठीक है, सेट हो गया, चल गया। मैंने मॉर्गन डॉट डेव जो लिखा था वो उसको लगाने का सही तरीका नहीं था। अच्छा जी चलो भाई कराओ, रिक्वेस्ट करो, अब नहीं चल रहा, क्या लिखा हुआ रहा है, अच्छा मैं ये यूआरएल अपने पास चला के देखता हूँ। मैंने उसको पेस्ट किया और स्लैश मैंने कहा प्रोफाइल, यही था ना प्रोफाइल,
क्या कह रहा है ये, बिफोर यू कैन सर्व HTML कंटेंट। अच्छा ngrok slash profile मुझे नहीं मिल रहा है इससे, स्लैश प्रोफाइल सही तो लिखा हुआ है, अगर मैं स्लैश प्रोफाइल ना लगाऊं उस पे भी कुछ ना कुछ तो मैंने लगाया हुआ है। ये क्या सीन है यार, इतना बड़ा रेड। इन्होंने कोई वो तो नहीं कर दिया, हाँ हाँ कोई फ्री वाला आज ही इन्होंने खत्म कर दिया मे बी। नहीं नहीं लोकल होस्ट पे तो चलेगा ना, हाँ सही कह रहे हो, लोकल होस्ट पहले चला के देख लेते हैं, सही कह रहे हो। लोकल होस्ट 3000 एंटर किया, चल रहा है सही है। स्लैश प्रोफाइल ये भी चल रहा है, प्रोफाइल भी चल रहा है। अब मुझे लग रहा है एनजी रॉक वालों ने ना इसको, मैं रोकता हूँ दोबारा। नहीं HTTP ही है वो, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। स्लैश प्रोफाइल नहीं चला ना, मना कर रहा है। बिफोर यू कैन सर्व HTML कंटेंट, बट HTML कंटेंट तो हम नहीं सर्व कर रहे। अच्छा इसको अगर मैं यहां से हिट करूं, गेट की रिक्वेस्ट यहां से करूं तो यहाँ पर भी इसने मुझे रिस्पॉन्स वही वाला दिया है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, स्लैश की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास ना, बट जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया ना वो सही नहीं आया। तो एक काम करते हैं साइन अप कर लेते हैं भाई, जब ये कह रहा है तो कर ही लेते हैं साइन अप। मेरा कोड ब्रेक नहीं हुआ, मेरे पास 200 पे रिक्वेस्ट आई है, स्लैश की रिक्वेस्ट आई है और 200 गया रिस्पॉन्स, मेरा कोड ब्रेक नहीं हुआ, रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास। बट क्या हुआ कि इसने कहा साइन अप कर लो, मैंने कहा चलो साइन अप करते हैं भाई। अच्छा गूगल से मैंने साइन अप कर दिया इसके ऊपर, ठीक है जी। यार लिटरली कल तक मैं चलाता रहा हूँ एनजीरो, बिल्कुल सही चल रहा है। अभी जो मैं रेस्टोरेंट वाली ऐप डेवलप कर रहा हूँ उसमें मैंने एनजीरो यूज किया, कल लिटरली कल चलाया मैंने, और जो ना आज ये मस्ती कर रहा है बताओ। मैं भी बहुत सारे लोगों ने हिट किया हो इसलिए वो हो गया, हाँ बड़ी पार्टी था इसके जाना। अच्छा अब हम क्या चलाएंगे इसमें, ngrok login most probably, ngrok login most probably चलाएंगे, auth token। अरे लॉगिन कैसे होगा भाई, सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। अच्छा योर ऑथ टोकन, अच्छा ये मेरा ऑथ टोकन आ गया ना, ये मेरा ऑथ टोकन आ गया। अब मुझे ये कह रहा है ऑथ टोकन आप लगा दो अंदर जाके उस पे ना। अच्छा ngrok स्पेस ऑथ टोकन और स्पेस ये टोकन लगाना होगा मुझे, इस तरह से होगा ये, सही है जी। मैंने कहा ngrok ऑथ टोकन स्पेस और मैंने टोकन पेस्ट कर दिया एंटर, ऑथ टोकन सेव्ड। auth token save in configuration file that, ठीक है चलो भाई। अब दोबारा से हम फाइनली दोबारा से इसको चलाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने दोबारा से ये एंड पॉइंट कॉपी किया और एंड पॉइंट कॉपी करके इसको चलाया, रिक्वेस्ट मेरे पास आई और रिस्पांस भी आ गया, ठीक है भाई। तो ये टोकन का चक्कर था, इन्होंने फ्री में मना कर दिया, टोटली मना कर दिया। पेड है ही है लेकिन शुरू में 25 रिक्वेस्ट पर मिनट फ्री है, डेवलपमेंट के लिए आई थिंक 25 रिक्वेस्ट पर मिनट गुड इनफ है। नहीं ना वो यूआरएल थोड़ी होगा, अब नया यूआरएल मिलेगा, देता हूं अभी यूआरएल नया वाला, हर दफा चलाने पे नया यूआरएल जनरेट होता है क्योंकि ये प्योरली डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए बनाया गया है इसको। इसका कैसे नॉट फाउंड, ये यूआरएल मैंने अभी प्रोवाइड किया आप लोगों को। हाँ
नहीं सेम का है भाई, अभी मैंने पेस्ट किया एयर डॉट सिसबॉर्ग पे, वो वाला चेक करो। अच्छा नहीं मेरे पास तो सही चल गया, नहीं ना मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो नजर आएगा। करो स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट करो, इंटरनेट बंद होगा तुम लोगों का। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास टोटल अभी 5 रिक्वेस्ट हुई है इसकी। अबे भाई मेरे पास ब्राउजर में भी चल रहा है, सिंपली उस लिंक पे क्लिक कर दो जस्ट, नॉट फाउंड आ रहा है। मे बी मैंने ये वीपीएन ऑन किया हुआ इसकी वजह से हो रहा है, मे बी मैंने वीपीएन को डिस्कनेक्ट मार दिया। हाँ ये वीपीएन की वजह से हो रहा था, मैं वीपीएन डिस्कनेक्ट करके नया लिंक जनरेट कर रहा हूँ, फिर आएगा। ये क्या हुआ, चलो भाई नया लिंक। असल में हो रहा ये था कि वो वीपीएन यूएस का कनेक्ट हुआ हुआ था, तो वो यूएस के रीजन में सिर्फ कर रहा था, कोई सिक्योरिटी रीजन होगा इनका। वो कह रहा था ये यूएस में बैठ के पाकिस्तान से क्यों आ रहा, अभी भी नॉट फाउंड है। ये अभी दिया ना मैंने लिंक यार, अच्छा नहीं आया तुम लोगों के पास, जिसके शुरू में CA20 है नहीं आया। मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये लो अब देखो आया। वो असल में मैंने वीपीएन डिस्कनेक्ट किया तो फायरबेस भी अब चला। चलो भाई अब ये 25 जैसे ही पूरा होगा ना ये ठंडा हो जाएगा। हो गया ठंडा, नहीं नहीं अभी आ रहा है मेरे पास। अभी तक तो रिक्वेस्ट, अच्छा मे बी लॉग इन करने के बाद शायद ये 100 रिक्वेस्ट कर देता है, मे बी मुझे अभी याद पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, 100 रिक्वेस्ट पर मिनट कर देता है लॉगिन करने के बाद। अच्छा यहाँ पे स्टेट्स भी बता रहा होता है ना, ये स्टेटस और स्टेट्स सब बता रहा होता है। ये गेटिंग स्टार्टेड मैंने लिखा हुआ है, योर ऑथ टोकन यहाँ पे है ना, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप क्या करें, एनजी रॉग स्पेस ऑथ टोकन और स्पेस डाल के वो टोकन पूरा पेस्ट करते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑथ टोकन की के डैशबोर्ड, सॉरी एनजी रॉक के डैशबोर्ड पे जाके ये जनरेट होगा। खैर तो फाइनली अब हमारा क्या हो चुका है, मेरे लोकल जो सर्वर मेरे पास चल रहा है उसका एक ऐसा लिंक जनरेट हो गया है जो कितनी देर के लिए जनरेट हुआ है, 2 घंटे के लिए हुआ है। 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन आई थिंक मैं चूंकि लॉग इन हो चुका हूँ तो ये मुझे बता नहीं रहा 2 घंटा ना। ये पावर शेल नहीं है, ये खुद ही ऐसा बना देता है इसको, ये वो थीम एक्टिवेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो अभी मुझे ये शो नहीं कर रहा, वरना जब मैं लॉगिन नहीं हुआ होता तो ये मुझे शो करता था कि आपका सेशन जो है वो 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उसको रोक के दोबारा चलाना पड़ता था, बट अभी ये शो नहीं कर रहा, मे बी लॉगिन होने के बाद ये बढ़ा देता है इस टाइमिंग को, मे बी डोंट नो। अच्छा तो अब मुझे क्या करना है, यही वाला लिंक जाकर स्लैश वेबहुक का जो लिंक है मुझे ये कहाँ पे जाके कनेक्ट करना है, Amazon के Alexa स्किल किट में जाके और बिल्ड वाली सेक्शन में ये मुझे पेस्ट कर देना है। एंड पॉइंट पर गया ना, अभी यहाँ पे AWS Lambda लगा हुआ है, मुझे क्या करना है HTTP का कस्टम एंड पॉइंट, और डिफॉल्ट में मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया HTTPS और जो भी मेरा लिंक था और ngrock/webhook। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, अब मैं इसको कर देता हूं सेव। अच्छा जब तक मेरा टर्मिनल ऑन है जब तक ये एंड पॉइंट सही काम करेगा, जैसे ही मेरा टर्मिनल बंद हो गया Alexa को एरर मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार आपका ये URL वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, जब प्रोडक्शन होगी हमारी तो हम क्या करेंगे सर्वर को हरिको पे डिप्लॉय करके वो लिंक यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया जी इतना काम,
अब जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो इंटेंट है, कौन कौन सा इंटेंट है, हेलो इंटेंट यहाँ मौजूद है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूँ भाई दिस इज हेलो वर्ल्ड इंटेंट फ्रॉम लोकल सर्वर, ठीक है, या लोकल एंड पॉइंट, ठीक है, लोकल एंड पॉइंट, और इसको मैंने सेव कर दिया, ऑटोमेटिक सेव हो गया ये, सर्वर रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब मैं जाके यहाँ पे अलेक्सा के टेस्टिंग वाली जगह पे जाके मैं इसको कोशिश करता हूँ टेस्ट करने की कि आया कि मुझे अब ये वहां से रिस्पॉन्स मुझे लाकर दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर मुझे रिस्पॉन्स ला के दे दे तो मेरा ये हेलो वर्ल्ड कम्प्लीट हो जाएगा कस्टम एंड पॉइंट पर। जी एक मिनट अभी मैं ये कर लूं, सवाल देता हूँ। फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट, सही है, फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट, ये मैंने नाम रख दिया इसका, ठीक है। बिल्ड मॉडल भी कर देते हैं एक दफा ताकि क्या हो जाए, मॉडल प्रॉपर बिल्ड हो जाए। ठीक है जी, मॉडल बिल्ड होना शुरू हो गया। जब भी मैं बिल्ड वाले सेक्शन में कोई भी चीज चेंज करूंगा तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं मॉडल को सेव करूं और बिल्ड उसका चलाऊं दोबारा से। नहीं, लास्ट क्लास में हमने जो इन्वोकेशन वाली साइड है ना पूरी बिल्ड वाली, वो लोकल बनाना सीखी। इस क्लास में हम एंड पॉइंट वाला सेक्शन सीख रहे हैं। ये जो इंटरेक्शन मॉडल है ये तो ASK CLI से लास्ट सीखा था ना, याद नहीं है, लेकिन वो रेकमेंड नहीं किया था मैंने, तुम थे नहीं पिछली क्लास में। ये जो ASK CLI से ये फूड ऑर्डरिंग बनी हुई थी स्लैश मॉडल और ये पूरा जो इंटेंट बना हुआ है ये वाला, ये लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था ना, तुम नहीं थे शायद उसमें, मे बी। अच्छा जनाब, तो हमारी बिल्ड क्या कंप्लीट हो चुकी है? हाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं टेस्टिंग पे, टेस्टिंग को एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद, अरे यार अब इसके लिए मुझे चाहिए VPN। वो खराब हो गया, ये क्या सीन हो गया? नहीं नहीं अभी तो यहाँ टेस्टिंग तो करनी है ना। इसका मेरे पास बेहतरीन हल है, बेहतरीन हल ये है कि मैं अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करूं। यार पता नहीं सैलानी के नेटवर्क का क्या इशू है, आई एम नॉट श्योर, बट ये हर दफा ही फेस करना पड़ता है। चलो मैं VPN ऑन करके मैं अपने पास ही रन करता हूँ क्योंकि अच्छा VPN एक बार मैंने ऑन कर दिया ना तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक, मतलब इसको मुझे दोबारा रोक के चलाना पड़ेगा। असल में वो मेरा रीजन देख रहा है ना, किस किस जगह से जा रहा है उसको, उस तरह से देख रहा है। अरे चल रहा है मेरे पास, अभी भी चल रहा है, थोड़ी देर बाद बंद होता है। यार जरा चला कर देखो, जो मैंने आखिरी लिंक भेजा है वो चल रहा है अभी भी तुम लोगों के पास, जिसमें CA20 लिखा हुआ है, चल रहा है बस, तो फिर सही है ना। आई थिंक वो लॉग इन ना होने की वजह से इशू कर रहा होगा पहले। अच्छा तो अब मुझे क्या करना है, टेस्टिंग को रिफ्रेश करना है और मुझे लॉगआउट एक दफा करना ही पड़ेगा इसको, उसके बगैर ये जान नहीं छोड़ेगा। आधा टाइम हमारा इसी में निकल जाता है ना, लॉग इन लॉगआउट करना है ना। चल जाए बस आज की भीड़ में।
नहीं वेबसाइट सही है ये, मतलब डायलॉग फ्लो से तो बहुत बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज लेकिन ये नेटवर्क के इशू की वजह से ना, मतलब ये बड़ा अजीब हो जाता है। मतलब आज से पहले मुझे कभी इस तरह तंग नहीं किया इसने कि लॉग आउट बार बार हो जाए, ये कभी भी नहीं हुआ है सर, ये यहीं पर ही होता है सर। हाँ अच्छा, क्या नाम रखा था यार हमने? ओपन फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट। अच्छा ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ये स्लैश वेबहुक को कमेंट कर दिया था थोड़ी देर के लिए कि कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, इसलिए उसको मिल गया। मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से ये बात लिखूंगा यहाँ पे, ओपन फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट। अब इसको चल जाना चाहिए। There was a problem communicating with the requested skill. मानी दिया मैंने, देख लेता हूँ एक दफा। ओ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा तो अब मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट को सही कर दिया है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि हम पुराना वाला एंड पॉइंट यूज कर रहे थे यहाँ पे। There was a problem communicating with the requested skill. हाँ रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार मेबी। मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही ना, रिक्वेस्ट आए कोड ब्रेक हो कुछ हो तो चलो समझ में भी आए। There was a problem communicating with the requested skill. मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट ही नहीं आई इसकी। स्लैश API स्लैश V1 स्लैश Webhook स्लैश Alexa सही तो है यार। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि मुझे इसको एंड पॉइंट को सेव करने के बाद बिल्ड करना पड़ेगा? नहीं यार, ये एनजीरॉक का ही मसला है, ये एनजीरॉक का ही मसला है। इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीपीएन को डिसेबल कर रहा हूँ और मैं अपने मोबाइल फोन के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मोबाइल फोन के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, वो सब नए सिरे से करता है, वो सारे लिंक्स को नए सिरे से जनरेट करता है। ठीक है, चेक कर लूँ मेरा इंटरनेट मोबाइल में चल भी रहा है, ऐसे ही पड़ा है ठंडा। सही है, चल तो रहा है। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एनजीरॉक को रोक देता हूँ, एनजीरॉक का नया लिंक जनरेट करता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ पे जाके मैं वो नया वाला लिंक लगा देता हूँ। अच्छा, और अभी हम उससे बचने के लिए, मतलब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वो लास्ट वाला जो यूआरएल है ना, क्योंकि बार बार हो सकता है हमें चेंज करना पड़े, वो मैंने लास्ट वाला बिल्कुल ही उड़ा दिया। सही है, यहाँ पे भी बिल्कुल उड़ा देता हूँ, ये स्लैश पे कर दिया मैंने उसको और ये स्लैश वाला बंद कर दिया, मतलब स्लैश के ऊपर अभी मैं वेबहुक को चला रहा हूँ। सही है, जस्ट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा जी, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया जनाब, टेस्टिंग वाले पे आया, टेस्टिंग वाले पेज को रिफ्रेश कर दिया मैंने, और टेस्टिंग वाले पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैंने कहा ओपन फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट।
There was a problem communicating with the requested skill. अच्छा मेरे पास सर्वर पे ना रिक्वेस्ट आ रही नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। अबे भाई ये क्या कर रहे हो, इनोवेशन लगा रहे हो सारे। अभी मन कर दूंगा एक मिनट में, ये लो बंद हो गया। इज्जत राहत है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा यार गौर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये क्या चक्कर है, मेरे पास रिक्वेस्ट वहां पहुंच रही क्यों नहीं है। जब मैंने यहाँ पे इसको एंड पॉइंट भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो मेरे सर्वर पे एटलीस्ट रिक्वेस्ट आनी चाहिए मेरे सर्वर पे, सही है। मैं जस्ट एक जस्ट टू मेक श्योर मैं क्या करता हूँ, एक स्लैश वेबहुक के नाम से। ओ एक काम और भी हमने नहीं किया, वो पता है क्या काम नहीं किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पार्स नहीं किया, ठीक है। ये भी हमें करना होता है, बॉडी को पार्स नहीं करोगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि वो तो बॉडी आएगी उसके अंदर, बॉडी को पार्स भी करना होता है। खैर इसका इशू नहीं है, बॉडी पार्स ना भी हो तो रिक्वेस्ट हिट तो होनी चाहिए ना, वो रिक्वेस्ट हिट नहीं होगी। तो मैं जस्ट टू मेक श्योर मैंने स्लैश वेबहुक के नाम से क्या लगा दिया, एक एंड पॉइंट बना दिया, और इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को क्या करवा रहा हूं मैं, कॉन्सोल करवा देता हूँ कि जो भी कुछ रिक्वेस्ट में आया उसको कॉन्सोल कर दें। ठीक है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कॉन्सोल करवा दिया, और मैं यहाँ पे बिल्ड वाले सेक्शन में जाके क्या करता हूँ, ये वाला यूआरएल लगा देता हूँ कि एटलीस्ट जो रिक्वेस्ट मेरे पास हिट हो रही है वो क्या हो जाए, वो कंसोल पे लॉग हो जाए कि उसमें क्या आ रहा है। लॉन्च रिक्वेस्ट है ना मेरे पास, सही है लॉन्च रिक्वेस्ट है, उसका रिस्पॉन्स भी है। ओपन फूड ऑर्डरिंग ऐप, नहीं फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट था ना, ओपन फूड ऑर्डरिंग असिस्टेंट। देयर वाज अ प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग विद द रिक्वेस्टेड स्किल। भाई ये तो चलने का नाम ही नहीं लेगा। एक ये चीज रह गई है हमारी, एक डेटाबेस कनेक्ट करना है, उसके बाद हम इससे माफी मांग लेंगे कि बस ठंड कर दो, फिर हम डायलॉग फ्लो में जाएं। अच्छा डायलॉग फ्लो इससे ज्यादा चने चपवाएगा, बस ये मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि डायलॉग फ्लो की भी मुझे उन्होंने गिटहब से ब्लॉक मारा हुआ है, गिटहब ये डायलॉग फ्लो वालों ने, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन लिखते नहीं है सही से। लाइब्रेरी बनी हुई अच्छी अच्छी बनी हुई है लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन लिखी भी नहीं है, बोलो उनको तो वो बोलते हैं भाई ये ब्लॉक मारो। मैंने मजबूरन अपनी लाइब्रेरी लिखी है, डायलॉग फ्लो हेल्पर के नाम से एक लाइब्रेरी मजबूर होकर लिखी है, मेरा दिल नहीं कर रहा था लिखने का, लेकिन यार डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं लिखते वो लोग। मतलब डिटेक्ट इंटेंट इतना सिंपल काम है कि चैटबॉट से बात कैसे करें, उस तक की लाइब्रेरी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी गायब है ही नहीं सीरियसली। इनका भी वही हाल है, अभी अमेजोन में हमने देखा ना मेन डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है। और अच्छा इसका मेन रीजन ये है कि भाई एक तो नई टेक्नोलॉजी है, दूसरा ये है कि भाई किसी को भी नहीं पता कि इसमें एक्चुअल करना क्या है कैसे करना है, सब लोग ही सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ आपके सामने ही है, हाँ सभी सीख रहे हैं। अब इसको हम डीबग कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है किस चीज की। एक काम करते हैं, असल में ये स्किल हमने पहले से बनाई हुई थी तो उसमें बहुत सारे पंगे वंगे हुए हैं, हम एक नई स्किल बना के ना उससे कनेक्ट मारते हैं, सही है। एक आखिरी ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो फिर घर चलेंगे, कल ट्राई करेंगे। ये स्किल हमने असल में 2-3 क्लास पहले से बनाई हुई है मे बी, तो इसके अंदर हमने बहुत सारे छेड़छाड़ कर चुके हैं। अच्छा कोई ऐसा नया नाम ढूंढते हैं, सैलानी रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, जस्ट टू ट्राई, मतलब चले तो सही है एटलीस्ट।
क्या कह रहे हो बोलो ना, कुछ नहीं। चलो हाँ हाँ, 9 बज गया तो क्या हुआ, 2 मिनट रुक जाओ यार, आखिरी ट्राई तो कर लो। ये बारिश हो रही है क्या, हो रहा बस बस। एक उधर वो मस्ती कर रहा है, एक इधर ये कह रहा है वेट अ मिनट। हर चीज मस्ती के मूड में भाई। अच्छा भाई, इन्वोकेशन नेम सेट करते हैं पहले। इन्वोकेशन नेम कहते हैं भाई टॉक टू सैलानी वेलफेयर, ठीक है, शायद सैलानी के नाम से चले। टॉक टू सैलानी वेलफेयर, सेव हो गया भाई। उसके बाद एंड पॉइंट पे गए हम, HTTPS लगाया, और HTTPS लगाने के बाद क्या किया, ये वाला लिंक कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और स्लैश वेबहुक दे दिया मैंने। स्लैश वेबहुक में क्या लिखा हुआ है, स्लैश वेबहुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना उसको कंसोल कर देगा बस। ये मेरा वेबहुक के नाम, अच्छा गेट है ना, ये पोस्ट होगा, सही है, ये भी एक प्रॉब्लम थी, हमने भी भंड मारे हैं बहुत सारे, ये पोस्ट होगी गेट नहीं होगा, ठीक है, मे बी इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही हो। खैर, और अब हम खोलते हैं टेस्टिंग वाला पेज इसका। ठीक है भाई, टेस्टिंग को इनेबल कर देते हैं, सब कुछ ओके है, ऐसा लग तो रहेगा सब कुछ ओके है। टॉक टू सैलानी वेलफेयर, कॉलिंग विद अलेक्सा इज नॉट सपोर्टेड ऑन दिस डिवाइस, यू कैन यूज द अलेक्सा ऐप इंस्टेड। ओपन सैलानी वेलफेयर, ओपन सैलानी वेलफेयर, ओके। Before I can continue, please set a location for your Amazon account on Amazon.com under the Preferences tab of your content and devices. अबे ये क्या बोल रही है? Please continue. ये कौन सा सीन है यार? क्या ये refresh करने से सही होता है? कैसे होता है? Sorry? Build model नहीं किया मैंने। अबे हाँ यार सही कह रहा है। Build model नहीं किया। अच्छा बिल्ड मॉडल ना करें तो ये इशू करता है इस तरह। इन्वोकेशन नेम मैंने चेंज करने के बाद बिल्ड नहीं किया मॉडल, सही कह रहे हो। चलो बिल्ड करके देखते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हाँ भाई मेरी स्क्रीन को कंट्रोल करना है। डिक्लाइन, ज़ूम वालों ने सारा इंतजाम किया हुआ है। डिक्लाइन, ठक। बिल्ड कंप्लीट भाई, फाइनली बिल्ड इज कंप्लीट। अब हम टेस्टिंग के पेज को आगे, यार रिमूव कर दूंगा तुम्हें। अच्छा भाई, ओपन सैलानी वेलफेयर, चल जा भाई, अब तो चल जा यार, अब तो सब कर दिया हमने। Do you mean Edelweiss Wealth? अबे, open Selani welfare. Welfare नहीं समझ आ रहा उसको, wealth पैसे नजर आ रहा। There was a problem communicating with the requested skill. ये चलने का नाम नहीं ले रहा। ये कह रहा है कि अगली क्लास में। अच्छा अगली क्लास में नहीं, एक्चुअली मेरे कोड में या तो कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी या कोई ना कोई छोटा सा इशू होगा। मैं अभी घर जाने के बाद इसको सॉल्व करके और आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि इसमें क्या ऐसा इशू था। वैसे तो ये कोड ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है क्योंकि हमने एक थर्ड पार्टी आर्टिकल से भी देख लिया इसको, और प्रॉब्लम अभी एक्चुअली ये है कि हमारे कोड तक पहुंच ही नहीं रही है वो रिक्वेस्ट। जो अलेक्सा से रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुंचनी चाहिए वो यहाँ तक पहुंच रही नहीं है,
एक्चुअल प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है, जब यहाँ पहुंचेगी तो फिर मुझे पता चलेगा अच्छा मैंने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, उसमें कोई एरर आ रहा है क्या आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे या तो मैंने यूआरएल को लिखने में कोई गलती की है, जो एंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, मे बी इस यूआरएल को लिखने में मैंने कोई मिस्टेक की है मे बी, या तो इस तरह का ही कोई इशू है बाहर, ये रिक्वेस्ट जा नहीं रही मेरे सर्वर पे नहीं जा रही, तो उसको मैं एक्सप्लोर करूंगा, एक्सप्लोर करके आपको अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात रहेगी, और दुआ में याद रखिएगा।